अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। हम वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक टेंस। टेंसेस हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। आई वांट टू रिकैप्चुलेट सम सेंटेंसेस। राइट वर्ब है, लाफ वर्ब है, वॉक वर्ब है, डू वर्ब है एंड बहुत सारे हैं। मैं रिकैप्चुलेट करने के लिए ये बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रोनाउन एक लेते हैं, ही, डैश डैश, ए लेटर, ही डैश डैश ए लेटर। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक रूल बोला कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो जब प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो फॉर एग्जांपल हम राइट लेंगे। राइट एक वर्ब है, इसको इस डैश में फिल करना है। जब हमें वहाँ से दिया गया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए रूल है व्हेन द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर वी ऐड एस विथ द वर्ब। दैट मीन्स वी मे राइट ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बताऊँ, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। ऐसे ही बेटा आप समझो, ऐसे ही हम बोलेंगे द बॉय लाफ्स, द बॉय लाफ्स, द बॉय लाफ्स। द बॉय जो है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और लाफ जो वर्ब है इसको ऐड हो गया एस, क्योंकि ये जो एस है ये इसलिए ऐड हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर ऐड एस विथ द वर्ब। ऐसे ही मैंने रूल बोला था आपको पास्ट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए रूल है कि वी की वी टू विथ ऑल सब्जेक्ट्स, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, वी टू विथ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म। यही राइट लेंगे, इसकी दूसरी फॉर्म है रोट। लॉफ, लॉफ की दूसरी फॉर्म है लॉफ्ड। डू, डू की दूसरी फॉर्म है डिड। तो ऐसे ही लिखेंगे, आई रोट ए लेटर, मैंने लिखी चिट्ठी, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, मैंने चिट्ठी लिखी। आई राइट ए लेटर का मतलब है मैं लिखती हूँ, आई रोट ए लेटर मैंने लिखी। ये दोनों इनडेफिनिट है, इनका कोई टाइम नहीं है। इतना फर्क है वो ये प्रेजेंट है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं रोट ये पास्ट है। ही उधर इनडेफिनिट में क्या होता है, इनडेफिनिट में राइट को ऐड होता है एस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मगर व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। मगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में कोई ऐड नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला कि वी टू विथ ऑल सब्जेक्ट्स, ये बहुत आसान है पास्ट इंडेफिनिट याद रखना। ही लॉफ्ड, ही लॉफ्ड, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। सलमा, सलमा, हम वर्ब देखेंगे क्या लिखा था हमने, वर्ब देखेंगे। वॉक, वॉक है, आई वॉक, ही वॉक्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सलमा वॉकड, सलमा वॉकड फर्स्ट। ऐसे ही रिकैप्चुलेट हुआ। तो हम क्या करेंगे आज, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या रूल है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए रूल है इज एम और, इज एम और प्लस जो वर्ब है उसको ऐड करना है आई एन जी, उसको ऐड करना है आई एन जी। उधर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखती हूँ आई राइट ए लेटर, यहाँ पे लिखना है आई डैश ए लेटर। ऐसे ही होगा यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई राइट ए लेटर को कंटिन्यूअस में हो जाएगा पहले इसको हेल्पिंग वर्ब, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। When the subject is first person singular, when it is present continuous, we use helping verb. I के साथ am आएगा, I am और verb, verb को add करना है continuous में ing form. I am writing a letter. Salma, इसको भी past indefinite की तरह बस एक ही rule है, सब के साथ प्लूरल और सिंगुलर का ख्याल रखना है। आई के साथ एम, सलमा के साथ आएगा, ये थर्ड पर्सन है, सलमा है थर्ड पर्सन, इसके साथ इज लगेगा, सलमा इज राइटिंग ए लेटर, सलमा इज राइटिंग ए लेटर। इसी तरह राशिद, राशिद इज लाफिंग, एल ए यू जी एच, लाफ हुआ हंसना, एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड लाफिंग, रूल का आईएनजी, इसके लिए रूल बनाए गए हैं। अच्छा डेविड, डेविड, डेविड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डेविड सिंग्स ए सॉन्ग, अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा डेविड सैंग ए सॉन्ग, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो डेविड इज सिंगिंग, डेविड इज सिंगिंग ए सॉन्ग, डेविड इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी तरह हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बराबर यही है, इज चेंज हो जाएगा वाज में और चेंज हो जाएगा वर्ब में। इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज है पास्ट कंटिन्यूअस, और है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर है पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। देखो बेटा मैंने यहाँ और की मिसाल नहीं दिखाई आपको, वी, वी क्या है, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी है फर्स्ट पर्सन, वी, वी के साथ और लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा और, वी के साथ और लगेगा, वी और राइटिंग, वी और राइटिंग, वी और वॉकिंग, वी और टॉकिंग। जब हम दो होंगे तीन होंगे एक से ज़्यादा तब वी लगता है, कौन सा वी, व्हेन द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी यूज हेल्पिंग वर्ब और एंड वर्ब राइट एंड आईएनजी। वर्ब क्या होगा वहाँ पे, उसके साथ आईएनजी करना है ऐड। सिर्फ ये याद रखना है आई जब सब्जेक्ट होगा, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ एम लगेगा, फिर वैसे ही वर्ब, फिर वर्ब के साथ आई एन जी करना है ऐड। इसी तरह जब थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इज, जब थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, देखो बेटा दे, दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, दे के साथ और आएगा, दे के साथ और आएगा, ये याद रखो आप रूल। मैं अभी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाऊँगी, मैं पहले यही क्लियर करूँगी। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके साथ लगेगा इज एम और, इज एम और, इज लगता है थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम लगता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और लगता है थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, और लगता है थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। फॉर एग्जांपल आप देखो इस तरह, अकबर इज बिल्डिंग,
अकबर इज बिल्डिंग, ओगा इज टॉकिंग, आई इज नहीं लगेगा। मैंने रूल में बोला आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो एम लगेगा, आई एम गोइंग, गो है ना वर्ब, गोइंग, आई एम गोइंग। ऐसे ही बॉयज, बॉयज आया थर्ड पर्सन प्लूरल, बॉयज इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एंड द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन प्लूरल इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज हेल्पिंग वर्ब और, बॉयज और, गो वर्ब है इसको आईएनजी करना है एट गोइंग, बॉयज आर गोइंग। ऐसे ही हम अब पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में इज चेंज हो जाएगा वाज में और चेंज हो जाएगा वर में। जब सिंगुलर होगा तो वाज, जब प्लूरल होगा तो वर। आया समझ? आई वॉज स्लीप है ना वर्ब, आई वॉज इसको ऐड करना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। यू, यू जो है ये चाहे हम एक ही को बोलेंगे यू, ये सेकंड पर्सन प्लूरल है, ये सेकंड पर्सन प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी, ये भी आता है प्लूरल्स के साथ। यू और स्लीपिंग, ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, मगर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाना है, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर इन पास्ट कंटिन्यूअस वी यूज विच हेल्पिंग वर्ब, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, दे वर, दे है ना प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन प्लूरल वी यूज विच टाइप ऑफ विच हेल्पिंग वर्ब, वर, दे वर सिंगिंग, दे वर सिंगिंग। दिस बुक, दिस बुक क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है सिंगुलर के साथ, इज, दिस बुक इज गिविंग, गिविंग प्लेजर, ये बुक काफी प्लेजर देती है, खुशी देती है, दिस बुक इज गिविंग प्लेजर। सलमा, दिस बुक, या अगर पास्ट हम पढ़ रहे हैं, सॉरी पास्ट में लिखेंगे हम दैट बुक वॉज गिविंग इमेंस प्लेजर, इमेंस प्लेजर। इसी तरह से दोज बॉयज, दोज बॉयज, ये कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल, दोज बॉयज, दोज बॉयज, जब पास्ट होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब, दोज बॉयज वर, दोज बॉयज वर प्लेइंग, प्ले है वर्ब, इसको आईएनजी करेंगे एड, दोज बॉयज वर प्लेइंग। आप इसी पे ध्यान दो, आज इतना काफ़ी है, मेक सेंटेंसेस ऑफ ईच टेंस, फाइव फाइव सेंटेंसेस ऑफ, मेक फाइव सेंटेंसेस ऑफ ईच सेंटेंस, प्लीज़ प्लीज़ वर्क हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।